न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च, क्राइस्ट चर्च जिसका मतलब हज़रत ईसा के गिरजे, उस शहर में मस्जिदों पर हमले और फिर 50 कीमती जानों का ज़िया, बिलाशुबा मुस्लिम उम्मा को जगाने के लिए एक बहुत बड़ा वाकया है। मगरब और सफ़ेद फार्म जो अंग्रेज़ हैं उनकी जानब से इंतहा पसंदी और मगरब के अंदर इस्लाम का बढ़ता हुआ रुझान उनको खाइफ कर रहा है। आज दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक ब्रीफिंग का अहतमाम किया। इस ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि आज उनकी न्यूजीलैंड के वज़ीर खारजा से बात हुई है और उन्होंने इस केस के हवाले से हर मुमकिन इकदाम उठाने की पेशकश की है। वज़ीर खारजा ने जो शुहदा हैं और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी शुहदा हैं उनको हर मुमकिन तावन का यकीन भी दिलाया है। जो अहम बात आज उन्होंने की कि कल कौमी परचम सरनगूं रहेगा और यौम स्याह यौम सोग मनाया जाएगा, जबकि उन्होंने यह भी बताया कि इस हवाले से OIC का जो वज़राए खारजा का इजलास है वो हंगामी तौर पर तुर्की के शहर इस्तांबुल में 22 मार्च को तलब किया गया है। नेशनल एक्शन प्रोग्राम के हवाले से भी वज़ीर खारजा का कहना था कि इसके ऊपर लेटर एंड स्पिरिट अमल किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान के अंदर किसी भी इंतहा पसंद जमात को काम करने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर खारजा ने कहा कि हमारा ये मौक़िफ़ कि दहशत गर्दों का कोई मज़हब नहीं होता, न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में मस्जिदों पर हमले के बाद इसको तकवीयत मिली है। मेट्रो वॉच न्यूज़ के लिए ज़ाहिद फरूक मलिक, दफ्तर खारजा, इस्लामाबाद।